नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं अमरोहा की ओर। अमरोहा मोहल्ला शफात पोता इमामबाड़ा हुसैनी हॉल में हजरत मोहम्मद सावे हजरत इमाम जाफर सादिक की विलादत पर अलहाज अख्तर अब्बास नकवी अप्पू ब्रादर्स की ओर से 115वीं नातियां महफिल नूर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध शायरों ने शिरकत कर हजरत मोहम्मद व हजरत इमाम सादिक की शान में नात व कसीदे पढ़े। इस मौके पर समाज ने शिरकत कर भारत की गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया, वहीं एक दूसरे के गले लगाकर मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए एम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जमशेद कमाल तकवी पंडित भुवनेश्वर शर्मा मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर मौलाना डॉक्टर कोसर मुतजवा, मौलाना डॉक्टर शहबान नकवी, मौलाना सफरदर रजा, मौलाना रजा कासिम, एडवोकेट अली, इमाम खुर्शीद जैदी, डॉक्टर परवेज इकबाल अहमद आदि मौजूद रहे। महफिल की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना डॉक्टर सियासत नकवी इमाम जुमा, मौलाना डॉक्टर एहसान अख्तर नायाब इमाम जुमा ने की। महफिल की निजामत प्रोफेसर नासिर अमरोही ने की। महफिल में शामिल शायर डॉक्टर लाडले मेहरबान अमरोही, निशान हैदर बरेली, मुस्तकीम कुरैशी दिल्ली, डॉक्टर निजाम अहमद, नाजिम अमरोही, जिया काजमी, मिर्जा अनस, शादाब अमरोही, सूफी कमाल, जिशान शौक, सादाब अनवर, जुबैर इब्ने सैफी, नाजिश मुस्तवा आदि मौजूद रहे। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये मुशायरा कैसे लगा, हमें आपके कमेंट्स की आवश्यकता है। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर ट्रू मीडिया से। आज ट्रू मीडिया की टीम जो है उत्तर प्रदेश अमरोहा के अंदर आइए, जहाँ हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। यहाँ पर सर्व समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। अख्तर नकवी साहब, अप्पू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर शहर में किसी धर्म, किसी जाति, किसी मज़हब का कार्यक्रम हो या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, तन मन धन से जो है उसका सहयोग करते हैं। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, साहब इसके बारे में पूछ रहे हैं। आज 17 रबी अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत जन्मदिन के सिलसिले में ये हम प्रोग्राम यहाँ मोहल्ला शफात पोता हुसैनी हॉल में इसे मुनक्किद करते हैं, और इसमें सभी धर्म के लोग इसमें शिरकत करते हैं, मिल्लत तफरीक मज़हब व मिल्लत, और शुराए किराम कवि और सुनने वाले लोग काफ़ी माशाल्लाह इसमें तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और बस उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग अपना कीमती टाइम हम लोगों को यहाँ इस प्रोग्राम में देते हैं। और बाकी मैं अपने जवानों से, अपने बच्चों से सिर्फ तालीम के ही बारे में कहूँगा, एजुकेशन तालीम जितना भी हासिल करें, कौम का नाम करें, अपने मुल्क का नाम करें, अपने वतन का नाम करें, बढ़ चढ़ कर इसमें तालीम के उसमें मैदान में हिस्सा लें। देखिए, इस कार्यक्रम के अंदर जैसे कि हमने सुना, यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि हिंदुस्तान के वो धर्माचार्य भी यहाँ पे शिरकत करते हैं, उनमें कौन कौन से? यहाँ आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी हिस्सा की, और मौलाना यासू अब्बास, मुख्तलिफ लोग दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरी तरह सरदार पंछी थे, और लखनऊ से एक स्वामी सारंग साहब यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की, और भी बहुत से लोग यहाँ पर, आरिफ मोहम्मद खां बराबर इसमें शिरकत की है इस प्रोग्राम में, और कवि वगैरह भी, दूसरी कौम के लोग भी, दूसरे मजहब हिंदू हजरात भी इसमें बराबर, महेंद्र कुमार अश्क और आपके अर्पण मुजफ्फरनगरी, दर्पण मुजफ्फरनगरी सॉरी, इन लोगों ने बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हर साल ये लोग इसमें शिरकत करते हैं, और इस साल भी काफ़ी तादाद में कवि और शोराग्राम शिरकत करने के लिए इसमें आ रहे हैं। देखिए, जो बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर, जैसे कि आपने बताया, यहाँ लोगों ने भी, स्थानीय लोगों ने भी हमें बताया कि इस कार्यक्रम के अंदर जो है हिंदुस्तान के जो धर्माचार्य हैं वो भी हैं, जो कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं वो है, वो भी तमाम धर्म, तमाम जाति, सरदार और सिख हो, हिंदू मुस्लिम, भारत के गंगा जमुना तहजीब का जो संगम यहाँ देखने को मिलता है वो इस कार्यक्रम के महफिल नूर में मिलता है। बने रहिए बहार हैदर के साथ अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं, जब तक सलाम नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।